जाट बहरोड का है मामला, जहां एक दोस्त ने नशे की हालत में अपने ही दोस्त की 60 वर्षीय बीवा मां को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। एवं पहचान छुपाने के लिए आरोपी ने बीवा को जान से मारने का भी प्रयास किया। बीवा के मुंह, हाथ, पैर एवं पैरों पर गंभीर चोटें के निशान हैं। वाकया रविवार रात करीब 10:30 बजे का है। बीवा की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकास उर्फ नेवला पुत्र राजेंद्र जाट 21 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। बाहर की साकड़ बंद हुई थी, मेरा लड़का बंद करके गए हुए थे जी। मेरा जेठ का लड़का बांध दिए थे, सारे मोहल्ले के गए हुए थे। बाहर की साकड़ खोली, उसको मैंने सोची अगर मेरा लड़का है तो मैं ऐसे नू करके देखी तो वो था। फिर मेरा मैं उठन लगी तो मेरे जबरदस्ती हाथ पकड़ के मैंने यहाँ डाल दी, गेर दी, भीतर की साकड़ बंद कर दी, ताला बंद कर दिया। फिर इस डोरी को ऐसे नू खींच कर इस बल्ब को बुझा दिया। फिर मेरे को खाट पर गेर दी, खाट पर यहाँ ही गेर कर मेरी एड़ी रख दी शरीर के ऊपर। फिर इस बल्ब ने उतार के ऐसे फेंक दिए, नुके कुआड़ बंद करके चक्कू दे दिया, चम्मच दे दी। फिर मैंने मेरे कपड़े काट कर सिराने डाल दिए, अपने कपड़े डाल दिए यहाँ नंगे हो गए, वो भी मेरे को भी नंगा कर दिए। फिर मेरे साथ बहुत जोर की घटना की। आपने पुलिस में सूचना कब दी? 11 बज गए होंगे। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है आपकी इस मामले में? कार्रवाई कर रही है, हमको लेके गई रात को ही आई यहाँ। पहले 3-4 सिपाही आए, फिर थानेदार वगैरह ये आए, फिर हमको लेके गए यहाँ से। पहले वहाँ लेके गए दो लड़का ने, वो बोले चलो हमारे घर बताओ कहाँ से। उसका नाम क्या है, कहाँ का है? जाट बाय रोड का लड़का है। विकास नाम है उस लड़का का, राजेंद्र का छोरा है। नरबई शहरी क्षेत्र में